बनारसी साड़ी की थोक दुकानें दो दिन के लिए बंद। प्रतिदिन होता है लगभग 100 करोड़ का कारोबार। खबर है वाराणसी से। वाराणसी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने बनारसी साड़ी की सभी थोक दुकानें दो दिनों सोमवार एवं मंगलवार को बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि जान बची रहेगी तो कारोबार भी जिंदगी भर कर लेंगे। बनारसी साड़ी कारोबारियों ने इस संबंध में रविवार को टेलीफोनिक बैठक की। इसमें फिलहाल दो दिनों के लिए बंदी की घोषणा की है। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी जनहित में इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के महामंत्री राजन बहल बताते हैं कि काशी में बनारसी साड़ी कारोबार सबसे अधिक गलियों में ही है। खास तौर पर रानी कुआ, लखी चोतरा, कुंज गली, रेशम कटरा, न्यू मार्केट, नारायण कटरा, ठठेरी बाजार, गोलघर, सोरा कुआ, भाट की गली आदि क्षेत्रों में बनारसी साड़ी की करीब 5000 थोक दुकानें हैं। बताया कि काशी में बनारसी साड़ी का कारोबार लगभग 100 करोड़ का है। हम सभी को यह पता है कि बंदी के कारण करोड़ों का नुकसान होगा। बावजूद इसके सभी कारोबारियों ने एक सुन में कहा कि जान बची रहेगी तभी तो कारोबार बढ़ेगा। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि सभी कारोबारी बुनकर एवं उनके परिजन सुरक्षित रहें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बनारसी साड़ी व्यवसाय को की बंदी जरूरी है। गत वर्ष भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने बनारसी साड़ी के सभी कारोबार 20 जुलाई से 6 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया था।